इन तम सुरुदा यम सुर को वद सत्य तक दावत हो सदक अल्लाह लाजी वद अल्लाह अला रसूल हो नबी करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इज्जत व एहतराम के लायक रोज़ादार बुजुर्गो दोस्तों नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज्जत का लादाबाद मरतबा शुक्र है जिसकी तौफीक से दरस कुरान के बाबरकत लम्हात में हम सब हाजिर हैं। ये मुश्तरक दीनी फरीजा कबूल व मंजूर फरमाए। आज के इख्तितामी दरस का उनवान बड़ा सोच समझ के मैंने रखा था और वो है दीन से वफादारी। ये उनवान इसलिए रखा था कि पिछले पूरे महीने में जो कुछ हमने सुना, चाहे वो दर्स के जरिए था, जुमे के खुतबे के जरिए था, सवाल जवाब की नशिस्त के जरिए था, दीन का जितना हिस्सा हमारे दिलों दिमाग में महफूज हुआ, अब हमारे लिए जरूरी है कि उसके साथ वफादारी करें। और उसके साथ वफादारी करने का इनाम क्या मिलता है? अल्लाह का ऐलान है कुरान मजीद में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालों इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाते हो तो अल्लाह हर जगह पे तुम्हारा मददगार बन जाता है। यानी अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद, और अल्लाह के दीन की मदद एक ये थी जो हम पूरा महीना करते रहे, ये भी अल्लाह के दीन की मदद है कि हमने दीन की इशात का ये फरीजा सर अंजाम दिया। ये भी अल्लाह के दीन की मदद है कि आप यहाँ से बात सुनकर अपने घर जाके बताते हैं। ये भी अल्लाह के दीन की मदद है कि इस काम को मजीद बढ़ाने के लिए आप वो दबाव का साथ देते हैं, तो ये भी अल्लाह के दीन की मदद के जुमरे में होगा। और अब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को बातों से निकाल कर अमली तौर पर दीन के लिए वफादारी का सबूत दें। और उसकी वफादारी ये है कि जो हम दीन का सुने सबसे पहले अपने आप को उस पर अमल के लिए तैयार करें। अगर हम अमली तौर पर मुयस्सर नहीं है तो माली तौर पर अपने आप को दीन के लिए जो है अवेल करें, ताकि दीन की इशात होती रहे, नुसरत होती रहे। और ये अजीम काम करने वाले के लिए अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। कितना वासिर और क्लियर जो है अल्लाह ताला कहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी कभार अगर अल्लाह की मदद से महरूम हो जाते हैं, जिस तरह के इस वक्त हमारे 58 इस्लामी मुल्कों के हालात चल रहे हैं, माशी तौर पर, सियासी तौर पर हम जिस गुर्ब में मुबतला है, लेकिन 58 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद एक मुल्क ऐसा नहीं, या एक मुल्क के 10 मरले ऐसे नहीं कि जहां पे इस्लाम का निजाम नाफिज हो, जहां पे इस्लाम के कानून का निफाज हो। क्यों नहीं कि हम दीन के वफादार नहीं? यानी कितनी हैरानी की बात है, 58 इस्लामी मुल्क है। अगर किसी के जेहन में है कि सऊदीया में इस्लामी निजाम है तो वो अपनी गलतफहमी निकाल दे। सिर्फ एक हद का लागू हो जाना ये इस्लामी निजाम नहीं है, ये बात पे छोड़ के हाथ काट दिए, ये तो एक हद है। इस्लाम का निजाम तो ये है कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हमारा हर काम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजरे। और कानून के एतबार से अब तक हमारा दीन मजहब इस्लाम जितनी हैसियत में हमारे पास मौजूद है ना, उसकी रस्में और उसके रिवाज हम कर रहे हैं। यानी रस्में और रिवाज जो दीन को बतौर निजाम लागू करेगा, चाहे अपने ऊपर करे, घर पे करे, अल्लाह का वादा है वो निजाम को यहां पे लागू करके दीन की मदद करेगा, अल्लाह हर कदम पे उसकी मदद करने वाला होगा। और ये तारीख गवाह है इस बात, ये कोई नई बात नहीं। और अल्लाह एक जगह और भी कुरान मजीद में फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करे, मतलब दीन। लेकिन अब हमारे लिए जरूरी है कि हम इसके मददगार बने। ये रसूल की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है, अब सुनिए अगर रसूलुल्लाह की तरफ से क्या ऐलान है। अब वो फरमाते हैं, बात अल इस्लाम व गरीबत,
وَسَيَوْتُ غَرِيمًا فَتُوبَ مِنْ غُرَبًا. حضور نے فرمایا کہ میرا جب یہ دین آیا تھا نا اس وقت بھی یہ غریب تھا, اجنبی تھا, اس کو کوئی سینہ دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں. یہ میرا دین ابو جہل کے دروازے پہ گیا, اس نے جو ہے دین کو قبول نہیں کیا. یہ میرا دین ابو لہب کے دروازے پہ گیا, اس نے قبول نہیں کیا. عتبہ شیبہ کے پاس گیا, کفار مکہ مشرکین مکہ کے پاس گیا, لیکن کسی نے قبول نہیں کیا. آپ اندازہ لگائے یہ دین جو ہے جب رسول اللہ کی زبان سے جا رہا ہوگا اور پھر دین کے ساتھ یہ رویہ ہوگا تو کتنے دکھ والی بات ہوگی. یہ دین ہم تک کیسے نہیں پہنچ گیا, ٹھیک ہے, یہ دین ایسے نہیں پہنچ گیا کہ کسی نے پلین میں رکھ کے دے دیا, بلکہ دین ہم تک پہنچا ہے, بڑی قربانیاں لے کے پہنچا ہے, کبھی اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی اس کے در, کبھی اس کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے میرے نبی کے دانت کو زخمی کر کے پہنچا ہے, میرے رسول کے پاؤں کو زخمی کر کے ہم تک پہنچا ہے, یہ لاکھوں صحابہ کی قربانی لے کے ہم تک پہنچا ہے, یہ آل رسول کا پورا خاندان قربان کروا کے ہم تک پہنچا ہے, یہ کئی عورتوں کو بیوہ یتیم کر کے ہم تک پہنچا ہے, کئی بچوں کو مسکین کر کے ہم تک پہنچا ہے. ہمیں اس کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں گھر میں بیٹھے مفت میں ملی. امیہ صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نا کہ دین نبی دا وانگ یتیمہ روئے تے کڑلاوے, دین نبی دا وانگ یتیمہ روئے تے کڑلاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا دین نو سینے لاوے. ٹھیک ہے, یہ عمر بہادر تھا جس نے دین کو سینے سے لگایا تو پھر جو ہے اللہ نے اسلام کے عدم کو بلند کیا. اب ہمارے لیے وفاداری کرنا اس لیے ضروری ہے, حضور نے فرمایا کہ میرا دین آیا تھا تو اجنبی تھا, کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں تھا, سینہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا پھر میرے دین میں ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر غریب ہو جائے گا, علماء پکار پکار کے بلائیں گے کوئی سنے گا نہیں, علماء طاقت دیں گے کوئی سیکھے گا نہیں, دین سکھانے والے ہوں گے سیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا, کہیں پہ سیکھنے والے ہوں گے سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا, دین سے دور ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ مجھے بڑی مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے بنیادی اور ضروری مسائل کہ جو شاید پرائمری لیول کے بچے کو معلوم ہونا ضروری ہے اور ہمارے 60 سال کے بابے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں اللہ رسول کے کیا تعلیم ہے. رسول فرماتے میرا دین پھر غریب ہو جائے گا, اجنبی ہو جائے گا. اور وہ زمانہ اللہ میرے منہ میں خاک, وہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے وہ زمانہ نہ دکھائے, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ ادھر ہی حالات جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بچے جو ہے وہ دین پڑھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, دین سیکھتے سمجھتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں, نماز کی دعوت دے تو یہ کہہ کر محروم رہتے ہیں کہ جی وہ نمازی کی کہہ گئے کہ وہ 60 سال بعد چھتا ہے نماز, وہ جناب لوگ کی کہہ, اور بھائی جن لوگوں کے کہنے پہ اور ان کے آگے شرمندہ ہونے پہ تم اپنے لیے اللہ رسول کی ناراضگی مول لے رہے ہو اس کا کوئی ازالہ نہیں. حضور فرماتے میرا دین جب غریب ہوگا اجنبی ہوگا تو بانی ہوگا با. حضور فرماتے اس وقت جو میرے دین کو سیکھنے جائے گا, اس وقت جو میرے دین کو سینہ دے گا, جو دین کو وقت دے گا, حضور فرماتے ہیں توبہ للغرباء, ان دین کے سیکھنے والوں کے لیے میں محمد توبہ کی خوشخبری سناتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ توبہ ہے کیا, صحابہ نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا توبہ یہ جنت کا درخت ہے, اتنا لمبا چوڑا درخت ہے کہ 500 سال جنتی گھوڑا اس کے نیچے گھومتا رہے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا یہ اتنا لمبا چوڑا درخت ان کے لیے ہوگا جب فتنوں کے دور میں لوگ میرے دین کو سیکھنے والے بنے. تو اس لیے دین سے وفاداری یہ ہے ہم دین کو سیکھنے والے بنے, دین کو بطور نظام سمجھے, دین کو بطور قانون سمجھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا بلال آپ کے والد کا کیا نام ہے, سنے حضرت بلال نے جواب کیا دیا. حضرت بلال کہتے ہیں میرا نام بھی اسلام ہے, میرے ابو کا نام بھی اسلام ہے, میرے دادا کا نام بھی اسلام ہے.
और पूछने वाले ने कहा मैं आपके बाप दादा का नाम पूछ रहा हूं, आप इस्लाम इस्लाम बता रहे हो। आप फरमाते हैं कि जिस बिलाल को इज्जत इस्लाम के नाम से मिली है, जिस बिलाल के खानदान को मकाम और रतबा इस्लाम के नाम से मिला है, वो बिलाल इस्लाम के अलावा कोई तारफ नहीं बता। वो इस्लाम जो है बिलाल का तारफ है। और फिर वाकई ऐसा था कि ये हजरत बिलाल जब शाम से मदीना वापस आए ना, सहाबा का मजमा लगा हुआ मस्जिद नबवी में, हजरत उमर फारूक सहाबा के दरमियान में बैठे, देखा बिलाल आ गए तो हजरत उमर खुद भी खड़े हुए और कहा कुम सय्यदकुम बिलाल, फरमाया ऐ सहाबा खड़े हो जाओ, हमारा सरदार बिलाल आ गया। हमारा सरदार अल्लाह के हबशी बिलाल है, रंग के काले, हजरत उमर इस्तकबाल कर रहे हैं कि ये जो है हमारा सरदार बिलाल है। ये किसकी बिलाल? इस्लाम की बिलाल, रसूल की मोहब्बत की बिलाल। हजरत उसामा हजूर के बड़े लाडले से आदमी, मुख्तसर समय अर्ज कर दूं, ये यतीम थे, इनके वालिद फौत हो चुके थे। जब हजूर मदीना गए ना तो मदीने के सहाबा ने हजूर को मुख्तलिफ तोहफे दिए, मुख्तलिफ तोहफे दिए। हजरत उसामा की माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, सर पे शौहर का साया नहीं था और बहन भाई नहीं थे। हजरत उसामा की वालदा उसामा को छोटी उम्र में, जब आप दूध पी रहे थे, गोद में थे, हजरत उसामा को लेके हजूर की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, आपको मदीने के लोग बड़े बड़े तोहफे दे रहे, मेरे पास देने के सिवाय उसामा की और कुछ भी नहीं था, या रसूल अल्लाह ये उसामा मेरी तरफ से तोहफे दे रहे। वो है ना कि क्या पेश करें तुझको क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुझको क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हजरत उसामा जब हजूर को तोहफे में मिले ना, फिर हजूर ने तोहफा कबूल किया और इतना ही प्यार किया हजरत उसामा से जितना हजूर हसन और हुसैन से प्यार करता था। बल्कि आप हैरान होंगे, एक मरतबा जबरील आसमान में आ गए, जबरील आसमान में आ गए, अल्लाह से पूछा या अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं जरा जाके तेरे नबी को आजमाऊं, तेरा नबी हुसैन से ज्यादा प्यार करता है या उसामा से ज्यादा प्यार करता है। जब जबरील अलैहिस्सलाम आए ना तो हजूर की गोद में हजरत उसामा भी बैठे थे और हजरत हुसैन भी बैठे थे। तो जबरील ने पूछा कि अय अल्लाह के नबी, अल्लाह पूछ रहा है कि तुम्हें ये वाला शहजादा ज्यादा प्यारा है या ये वाला शहजादा ज्यादा प्यारा है। तो हजूर भी जान गए कि ये आजमाइश के तौर पे पूछ रहे हैं। हजूर ने फिर दोनों को अपने सीने से लगा के बताया, फरमाया ऐ पूछने वाले इनके प्यार करने में फर्क नहीं है, ये देखो मैं दोनों को सीने से लगा के बता रहा हूँ कि मुझे दोनों बहुत ज्यादा प्यार, मुझे दोनों से बड़ा प्यार। तो ये जो उसामा थे ना, इनको हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में माल गनीमत आया तो 75 दिनार दिए और अपने बेटे को 25 दिनार दिए। तो आपके बेटे ने कहा कि अय अब्बा जान, मैंने तलवार चलाई है, मैंने नेजा चलाया है, मैदान जिहाद में किया हूँ, उसामा अभी कल का बच्चा है, इसने कुछ किया ही नहीं है, आप इसको 75 दिनार दे रहे, मुझे 25 दे रहे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने कहा, हजरत उमर फारूक ने, उमर फारूक ने कहा कि अय मेरे बेटे खबरदार रहना, ये बात ना करना, मैंने उसको 75 दिनार इस वजह से नहीं दिए कि कौन जिहाद में गया और कौन नहीं गया, इसलिए नहीं दिए कि वो मेरा नस्बी है कि नहीं है, इसलिए नहीं दिए कि मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है, मैंने उसामा को इसलिए दिए कि मेरे मोहम्मद मुस्तफा इससे ज्यादा प्यार था। यानी जो निस्बत उसामा को रसूलुल्लाह के साथ है वो तुझे नहीं है, वो तुझे नहीं। तो सहाबा की नजर देखे, हम उस चीज को अहमियत देते थे जिसमें दीन की निस्बत ज्यादा होती। और एक हम है कि हम दीन को तब अहमियत देते हैं कि जब दीन जो है वो दिली और ज़हनी तौर पर हमारे मिजाज के मुताबिक, अगर हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है तो वहां पे दीन को हम पीछे रख देते हैं। हम अपनी खुशियां देखें, अपनी गमियां देखें, ठीक है ना, तो हमारी गमियां हमारी खुशियां बहुत सारे मामलात में जो है वो दीन से दूर है। और वजह क्या है कि हमारे अंदर जो है वो दीन की अहमियत ताकत और पावर नहीं है हमारे, और जब ये पावर आ जाएगी तो फिर यकीन करें कि एक भी जो है वो ईमान पे कह रहा तो वो एक जो है वो हजार पर भारी हो जाए। हजरत उकबा बिन आमिर ये किसरा के दरबार में गए, चादर बांधी हुई है और कमीज पहनी, दस्तार बांधी हुई,
बादशाह को मिलने गए ना तो दरबारियों ने कहा कि ये लिबास उतार दो और ये बादशाही लिबास पहन के फिर बादशाह को मिले। तो आपने भले दरबार में वहां पे जुमला बोला, एक है यार, कोई आपके साथ जो है लश्कर नहीं है, कोई आपके साथ खलीफे नहीं है, कोई आपके साथ मुक्तदी शगिर्द नहीं, अकेले है किसरा के दरबार में। आप कहने लगे मुझसे भर्ती तब्दील करवाने वालों अत्रों को सुन्नत रसूलिल्लाह ले हारूना के हुक्म का फरमाया, इस बेवकूफ को मिलने के लिए मैं मोहम्मद की सुन्नत को छोड़ दूं, ये मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, मैं इसको मिलने के लिए अपने मोहम्मद की सुन्नत नहीं छोड़ू, रसूल की सुन्नत नहीं छोड़ू। कहा इस लिबास में मिलता है तो मिले, तो ये एक है, लेकिन ईमान की ताकत इतनी है कि गैर के दरबार में भी जो है भरोसा है कि मैं यहाँ पे तीन का नाम लूंगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगी। और आज अगर हम मतलब है आलमी सतह पे कमजोरी का शिकार है, माशी तौर पर कमजोरी का शिकार है, सियासी तौर पर अफरत तफरी का शिकार है, तो इसलिए कि हम दीन के साथ मददगार नहीं हैं। और अल्लाह का वादा है तुम मेरे दीन के वफादार बनो, मददगार बनो, अल्लाह जो है तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह की हुजूर इल्तिजा है अल्लाह ताला इस पूरे महीने में सुनने वाले हासिल होने वाले इल्म को बतौर वफा बतौर ताबेदारी हमें अपने ऊपर लागू करने, अपने महलों में अपनी गलियों में अपने घरों में इसको जो है लागू करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा नाते हम मेरे नाम के नाम से नमस्कार नसीर नमो मोहम्मद पर के रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम करते हैं नमस्कार जी जी या हमी रब्बी रहमत पहले दिन से लेकर आज तक जो भी दीन की तालीम तरबियत का इंतजाम किया गया या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के या अल्लाह इसकी बरकतें दुनिया और आखिरत में हमें नसीब फरमा, या अल्लाह ये तालीमी काम खालिसतन तेरी रज़ा के लिए किया गया, बेलौस किया गया, किसी तम लालच के बगैर किया गया, या अल्लाह इस बेलौस और पुरखलूस काम की बरकत से हमारे दिलों को दीन के नूर से या अल्लाह फरमा, दीन के नाम पर या अल्लाह जिंदा रहने और दीन पर मरने की तौफीक नसीब फरमा, बहुत बहुत सरकार का कलमा नसीब फरमा, इन बाबरकत घड़ियों के सत्य या अल्लाह हम सबको दोज़ख से निजात की खुशखबरी नसीब फरमा, हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा, हमारे लिए जन्नत में जाने के रास्ते आसान फरमा, नबी अस्सलातु वस्सलाम के खैर व बरकत पाई वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।